नमस्ते, सरोज किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो है फ्रेश कोकोनट की चटनी, जिसे कि आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, इडली, डोसा, उपमा या पोंगल। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी फ्रेश कोकोनट चटनी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मिक्सी का एक जार ले लिया है जिसमें हम चटनी पीसेंगे। उसमें हम इस तरह से फ्रेश कोकोनट लिया है, बारीक बारीक हमने पतली पतली स्लाइस में इसे इसी तरह से कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक बाउल नारियल का इस्तेमाल किया है, तो ये हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे। साथ ही आधी छोटी चम्मच जीरा की हम इसमें डाल देंगे। 2 इंच मैंने यहाँ अदरक का टुकड़ा लिया था, वो भी अब इसमें डाल देंगे हम। थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, वो इसमें हम डाल देंगे। साथ ही हमने इसमें हरा धनिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। 4 से 5 हम मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली है, वो इसमें हम मिला देंगे। और करीब 4 हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे। और इस चटनी का सबसे खास इंग्रेडिएंट्स जो इसे और भी टेस्टी बनाती है वो है ये रोस्टेड चना। तो ये मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, ये इस तरह से भी आते हैं और 2 टुकड़ों में इस तरह से टूटे हुए भी आते हैं, तो आप कोई भी चना इसमें ले सकते हैं। तो ये इसमें मैं करीब 2 चम्मच इसमें डाल दूंगी। थोड़ी सी मैं यहाँ पर हींग मिला लूंगी और साथ ही टेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी कर कर हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी पहले डाल रही हूँ और इसे हम अच्छी बारीक होने तक पीस लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डालकर हमने नारियल की अच्छी सी गाढ़ी सी चटनी पीस ली है, जिसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह की गाढ़ी गाढ़ी मैंने नारियल की चटनी पीस कर तैयार कर ली है। अब हम इसके बघार की तैयारी कर लेंगे। तो चटनी के लिए हम बघार तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर इस तरह से हम एक बघारिया रख लेंगे। 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ तेल डाल दूंगी। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें मैं 1 छोटी चम्मच राई की डाल रही हूँ और 1 चम्मच धुली हुई उड़द की दाल हम इसमें डाल देंगे। राई जब अच्छे से तड़कने लग जाए तब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है, वो इसमें डाल दूंगी। आप देख सकते हैं मिर्ची का भी कलर थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि तेल अच्छा गर्म था। साथ ही थोड़े से पत्ते में करी पत्ते के डाल दूंगी इसमें। बघार हमारा तैयार है, अब इसको हम चटनी पर डाल देंगे। फ्रेश कोकोनट की चटनी बनकर एकदम तैयार है। इसे आप डोसा, इडली, पोंगल, उपमा किसी के भी साथ खा सकते हैं। इन सभी के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।